मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, ये जो वीडियो है ना, वो अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट हो रहा है, और ये वीडियो ना थोड़ा पुराना है, दिवाली से 2 दिन पहले का है, 2 या 3 दिन पहले। तो घर जाना था और साथ ही मुझे आप सबके साथ अपना होम टूर भी शेयर करना था। उसके लिए ना मैंने अपने कुछ पुराने फर्नीचर को न्यू किया, कुछ DIY बनाए हैं, जो कि चीज़ें ऐसे ही घर में मतलब रखी थी मैंने, उन्हीं से DIY किए हैं। तो आज की इस वीडियो में ना मैं वही सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी तो सुबह का टाइम है, नाश्ता बन रहा था यहाँ पर, क्योंकि डुगू को जाना था स्कूल, तो मैं यहाँ पर बस उसके लिए मैक्रोनी बना रही थी। तो यहाँ पर बस तेल भी ख़त्म हो चुका था, तो उसको मैंने बोटल्स में डाला है, और फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह हम सब करेंगे। और फिर मेरी प्लानिंग है कि क्योंकि मेरे पास ना सिर्फ 2 ही दिन थे, एक आज का और एक नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे मुझे घर को डेकोरेट करके आप सबके लिए शूट करना था, और जो आज का दिन है वो मुझे अपनी चीज़ों को मतलब DIY करना था, न्यू करना था जो ओल्ड फर्नीचर है। तो बस यहाँ पर ना मेरे माइंड में वही प्लानिंग थी कि किस तरह से मुझे अपने घर के कामों को भी देखना है, साथ ही साथ ये जो एक्स्ट्रा काम है वो भी करने हैं। तो यहाँ पर मैक्रोनी बॉईल हो गई थी, अभी मैं उसके लिए प्याज वगैरह बस चॉप कर रही हूँ। टमाटर मैंने जो है कद्दूकस कर लिया था, और फिर मैं जो है मैक्रोनी में तड़का लगाऊंगी। तो बस यहाँ पर पैन में मैंने तेल चढ़ा दिया है, और मैक्रोनी जो है ना मैं बहुत ही सिंपल वाले बनाती हूँ, बिल्कुल सिंपल सी। तेल डाला है और बस उसमें जो है ना मैंने जो प्याज होती है उसको लंबा लंबा कट किया है वो डाल दिया है, इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। और फिर जो टमाटर की मैंने प्यूरी बनाई थी ना, उसमें थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च और बहुत थोड़ा सा जो है मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है बस। और प्याज जब भुन जाएगी तब मैं ये सारे मिक्सचर को इसमें ऐड कर दूंगी, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको कुछ देर के लिए पकाऊंगी, जिससे कि जो टमाटर का कच्चापन होता है ना वो दूर हो जाए, और जो हमारा मैक्रोनी है या जो भी कुछ हम बना रहे हैं उसमें जो टेस्ट है ना वो अच्छे से आए। तो यहाँ पर देखिए मसाला बिल्कुल अच्छे से पक गया है। यहाँ पर मैंने कुछ सॉस डाली है, टमाटो सॉस और जो पास्ता सॉस होती है वो बस। और फिर जो मैक्रोनी बॉईल की थी वो मैंने इसमें डाल दी, अच्छे से मिक्स की, और फिर हमने सब ने जो है ब्रेकफास्ट कर लिया था। और अभी जो है ना मैंने फिर कोई वीडियो शूट नहीं की, सीधा मैं आपको दोपहर के टाइम मिली हूँ, मतलब लंच के बाद का ये टाइम है। डुगू स्कूल से आ गया था, तो उसको जो है मैंने खाना दिया, और खाना उसने अभी फिनिश किया है। तब तक मैं अपने जो काम थे ना, जो कि मुझे आज ख़त्म करने हैं, उसमें लग गई थी। तो मेरे घर में ना ये एक बोर्ड रखा हुआ है, जो कि जब हम गुड़गांव शिफ्ट हुए थे ना, तब हस्बैंड ने ये वाइट बोर्ड बनवाया था अपने लिए। उनको कुछ काम करना था अपने, मतलब कुछ स्टडी वगैरह करनी थी, उसके लिए उन्होंने ये वाइट बोर्ड बनवाया था। और इसके एक साइड मतलब वाइट बोर्ड बना हुआ है, दूसरी साइड ये लकड़ी का है। बट वो वाइट बोर्ड इतना ख़राब था कि उस पर अगर आप कुछ भी मार्कर से लिखते हैं ना, तो वो इरेज़ नहीं होता था। तो फिर हस्बैंड ने उसको यूज़ करना ही बंद कर दिया, और तब से ना मतलब आप समझिए 3 साल हो गए थे ये ऐसे ही रखा था वहाँ पर भी, और जब मैं यहाँ आई तब भी। बट मैं इसका जो है ना कुछ DIY करने का सोचती थी, कुछ माइंड में आता नहीं था कि इतना बड़ा बोर्ड है, इस पर क्या बनाऊँ। तो फाइनली मेरी समझ में अब आ गया था कि मुझे क्या बनाना है, तो वही मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि इस पर ना जो छोटे छोटे मिरर आते हैं वो लगाकर, और फिर जो वाइट सीमेंट से फिल करते हैं ना वो कर दूं, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था, क्योंकि मैंने एक छोटे से बोर्ड बना रखे हैं उनमें भी बहुत टाइम लगा था, तो वो मैंने कैंसिल किया। अब जो नया मेरा मतलब आइडिया था वो ये था कि मैं इस पर ना कोई अच्छा सा वॉलपेपर लगाऊं, तो मैंने ये 2 वॉलपेपर मंगाए थे, और इनमें से मैं यहाँ पर लगाकर देख रही हूँ कि कौन सा वाला वॉलपेपर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मुझे ना ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा, जो दूसरा था वो इतना मतलब सूट नहीं कर रहा था वॉल को भी, और ना ही मतलब बोर्ड को। और मुझे कुछ ऐसा वॉलपेपर चाहिए था जो मतलब ऐसा लगे कि ये पेंटिंग है, वॉलपेपर टाइप का ना लगे। तो ये मैंने अमेज़न से परचेज़ किया था, और ये वाला वॉलपेपर मैंने अभी तक मतलब देखा नहीं था किसी के यहाँ पर भी। जो दूसरा मैंने परचेज़ किया है वो मैंने बहुत देखा हुआ है, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लगाया। तो बस यहाँ पर ये वॉलपेपर मैंने लिया, और ये जो मेरा बोर्ड था इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया, इसकी मतलब जो भी लंबाई चौड़ाई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर जो है
ये जो वॉलपेपर था इसको कट किया, और उसके बाद यहाँ पर जो है ना मैं ये लगा दूँगी। और सच बताऊँ किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये मतलब मैंने बोर्ड पर इस तरह से लगाया है। देखकर ना बिल्कुल देखिए पेंटिंग वाली फीलिंग आ रही थी, लग ही नहीं रहा था। हिमांशु तो इसको देखकर बहुत खुश हुए, उन्होंने तो मतलब ये कह दिया कि ये वाला जो DIY तुमने किया है ना ये सबसे अमेजिंग है। तो सच में ये मुझे भी बहुत प्यारा लगा। ये वॉलपेपर ना मतलब इस पर इसका जो चारों तरफ की ये वुडन की बाउंड्री है ना इससे बिल्कुल मैच हो रहा था। और फिर मतलब लकड़ी को थोड़ा सा शाइनिंग लुक देने के लिए मैंने इस पर जो है ना जो सरसों वाला ऑयल होता है कपड़े की हेल्प से वो स्प्रेड कर दिया था, तो जो ये बॉर्डर है ना ये भी चमकने लगे थे। और जो ये पेंटिंग है ना, इस पेंटिंग कह सकते हैं या बोर्ड जो कुछ भी, ये मतलब और भी अच्छा लगने लगा था। तो सच में इस वाले DIY से मैं बहुत खुश हुई। और क्योंकि मेरे पास घर पर ये बोर्ड तो मतलब वेस्ट ही था क्योंकि यूज़ तो हो नहीं रहा था, और ये जो वॉलपेपर है ये बहुत कम प्राइस में, आई थिंक 150 रुपीज़ में या मतलब इसी के अराउंड मुझे मिल गया था। तो मेरा बहुत ही कम प्राइस में जो है ये बन गया, और मेरा जो ये बोर्ड है ना ये भी काम आ गया। नहीं तो ये बेचारा एक साइड पड़ा ही रहता था कमरे में, और कमरा अच्छा भी नहीं लगता था ये जब रहता था वहाँ। तो बोर्ड बन गया, और आज जैसा कि मैंने आपको बोला कि सारे जो पुराने फर्नीचर हैं जो कुछ भी है मुझे उनको न्यू करना था। तो ये ट्रे आपने मेरी किचन में देखी होगी, अभी तो ये किचन में मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने उसके लिए मेटल वाली जो ऑर्गेनाइज़र है ना वो मंगाए थे। तो इसको जो है मैंने सोचा हुआ था कि मुझे मतलब अपने घर की डेकोरेशन में इसको कहाँ पर यूज़ करना है। तो थोड़ी सी ना ये मतलब मैंने इस पर पहले वाइट पेंट किया हुआ था, बट अब वो वाइट पेंट जो है ना येलो सा हो गया था। तो अब मैंने इसको सोचा कि चलो इसका कुछ न्यू मतलब DIY करते हैं। तो जो वॉलपेपर मैंने आपको पहले दिखाया था ना उसी को मैंने इसके चारों तरफ कटिंग करके लगा दिया था। और जब मैं इसको फाइनल में दिखाऊंगी ना, सच में ये ट्रे ना बहुत सुंदर लग रही थी, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही थी। आप जब इसका फाइनल लुक देखेंगे तो ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। जो कुछ DIY मैं कर रही थी ना आज, मैंने पहले ही सोचा था कि रेस्ट में एक मिनट का भी नहीं करूँगी। जैसे ही लंच का काम ख़त्म हुआ मैं सीधा लग गई ये सारे DIY करने में, क्योंकि बहुत सारे थे। एक ये बोर्ड बनाया है, ट्रे को भी डेकोरेट कर रही हूँ, साथ ही साथ ही इस रूम में जो बेड है ना ये डुगू का, इसको भी मुझे रेनोवेट करना है, इसको भी जो है ना न्यू बनाना है, तो उसमें भी टाइम जाने वाला है। तो यहाँ पर बस फटाफट से देखिए ट्रे पर ना मैंने चारों तरफ इस तरह से ये लगा दी थी, और फिर जो इसका ऊपर वाला पोर्शन था ना उस पर मैंने ग्रीन एंड जो येलो कलर होता है ना उसको मिक्स करके हल्का सा पैरट ग्रीन कलर बन गया था, वो मैंने इसकी चारों तरफ जो बाउंड्री थी ना उस पर कर दिया। तो ये कलर हाईलाइट हो रहा था तो काफ़ी अच्छी लग रही थी ट्रे। और इसके अंदर ट्रे के अंदर ना मैंने वाइट जो है वॉलपेपर लगाया था। तो ये तो था मेरा बोर्ड जो कि कुछ ऐसा लग रहा था, एंड ये है ट्रे जो कि मतलब कलर वगैरह हो जाने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। तो ये दोनों चीज़ें तो मेरी रेडी हो गई, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो वो है मेरा बेड। अब इस बेड, ये जो बेड है ना वो है दीवान कम बेड, तो इसका जो हेडबोर्ड है वो अलग से नहीं है। तो इसको जो है ना मतलब बनाने में मुझे थोड़ी सी मेहनत लगी, थोड़ी सी मैंने हिमांशु की हेल्प ली। तो जो इसका हेड वाला पोर्शन है इसको तो मतलब खड़ा करने में मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई थी, बट जहाँ पर बॉक्स वाला है ना वो उसको करने में थोड़ी सी ना मतलब परेशानी हुई थी, बट हिमांशु ने थोड़ी सी हेल्प की तो सब मैनेज हो गया था। तो अभी बस बेड को तो मैं एक साइड कर रही हूँ, जो भी सामान था इधर उधर वो मैंने बाहर निकाल दिया था रूम से, क्योंकि फिर बेड को बनाने में ना थोड़ी दिक्कत होगी। अभी जो फोम शीट मेरे पास रखी हुई थी ना उस पर मैंने जो है ना हेडबोर्ड और जो
लेग वाली साइड होता है ना, वो दोनों बोर्ड नाप लिए थे कि कितनी कितनी उनकी मेज़रमेंट है। तो जो ये मेरी फोम सीट है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट उन्हीं के मेज़र की थी। मुझे इसमें ना तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा और ना ही मतलब इसमें जो है मुझे काटना पड़ा। बिल्कुल मतलब पूरी फोम सीट इक्वल थी हेडबोर्ड के। तो इस वाले बेड का जो डिज़ाइन है ना, वो मैं बहुत सिंपल रखने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। आज आज का टाइम था और उस बीच में मुझे डिनर वगैरह भी बनाना है और फिर घर जाने की पैकिंग भी करनी है मुझे। तो बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, मैंने बस दोनों सीट कट कर ली हैं और अभी जो हेडबोर्ड है ना, उस पर मैं सीधी सीधी दो लाइनें कट करूँगी और बस, और कुछ मैं नहीं करने वाली थी। तो उसी की जो है ना, मैं यहाँ पर मेज़रमेंट कर रही हूँ, जिससे कि जो दोनों लाइनें मैं कट करूँ वो जो है ना इक्वल आए। तो बस यहाँ पर वही सब चल रहा है। और अगर आपने मेरी पहले वाले बेड जो मैंने बनाया था अपना, जो मेरे बेडरूम में है, वो वीडियो देखी होगी तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह से बेड को बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने सारे मेज़रमेंट कर लिए थे और आपको अगर दिखाई दे रहा हो फोम शीट पर दो लाइनें, तो ये कट लगने वाले हैं मेरी इस फोम शीट पे। अब जो मैं हॉट ग्लू यहाँ पर यूज़ करती हूँ ना इसको चिपकाने के लिए, वो मैंने सारा एक स्टिक की हेल्प से फैला दिया है और फिर एक लकड़ी के टुकड़े से इसको ना इवनली स्प्रेड कर दूँगी इस बोर्ड पर, और फिर जो ये शीट है ना फोम शीट, वो इस पर इजीली चिपक जाती है बहुत अच्छे से। यहाँ पर देखिए सारी मतलब फोम शीट लग गई थी और फिर इसके बाद की क्लिप ना मैंने शूट नहीं की, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी लगी हुई थी और फिर आप कह सकते हैं मैं भूल भी गई जल्दी जल्दी में। तो अभी बस आप ना सीधा मैंने इस पर जो कपड़ा था, तो इस बार मैंने ग्रे कलर का वेलवेट का कपड़ा लिया है, और मैं पहले जो वो पिंक कलर चलता है मोव कलर, उस तरह का कपड़ा मंगाने वाली थी, बट डुगू ने साफ मना कर दिया था कि उसे पिंक कलर नहीं चाहिए, पिंक कलर लड़कियों का होता है, ये उसके माइंड में पता नहीं कहाँ से फिट हो गया है। तो इसलिए फिर मैंने ये ग्रे कलर का मंगाया। ग्रे कलर भी ना अच्छा लगता है, हर तरह के कलर के साथ जाता है। तो बस यहाँ पर ना मैं जो लाइनें मैंने बीच में मतलब पार्ट किए थे ना, उसमें मैंने इस कपड़े को अच्छे से लगा दिया था। और यहाँ पर दो लाइनें मतलब तीन लाइनों का पार्टीशन टाइप का आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा, मतलब ये कलर ग्रे है ना तो कैमरे में इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर मैंने जो कपड़ा लगाया था ना, उसको अच्छे से खींच खींच कर मैं यहाँ पर स्टेपलर लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से जो है ना मेरा बेड बनकर रेडी हो चुका था। इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो भी अच्छे से, और ऊपर मतलब जो हेडबोर्ड है ना वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसमें भी एक कमी है, मुझे ना इसके बटन बनवाने हैं जो कि मैं इसमें लगाऊंगी, तो वो अभी देखती हूँ कहाँ से मतलब बन पाते हैं, उसके बाद भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो बेड है ना वो कुछ इस तरह से लग रहा था और मैं बहुत खुश थी इस रिज़ल्ट से। डुग्गू तो मतलब इसको देखकर खुश हो गया था कि मेरा बेड कितना सुंदर बन गया है। भले से वो उस पर सोता नहीं है, बट कहते हैं ना ये जो रूम है, हम यही कहते हैं कि ये डुग्गू वाला रूम है, तो इसमें कोई सोता नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर मंदिर भी रखा हुआ है। और अभी जो है ना ये है रात का टाइम, 9:30 बजे का टाइम होगा। डुगू को मैंने सुला दिया था और सारे काम हो गए थे घर के। तो अभी जो लास्ट काम मेरा बचा था वो था जो मेरे सोफ़े के कवर है ना, उनमें मुझे ये टैसल लगाने थे जो कि मैंने वुलन से बनाए थे, और मैंने वो क्लिप भी शूट की थी बट पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गई या मतलब मुझे मिल नहीं रही थी। तो ये टैसल ना मैंने कुछ आज बनाए थे और कुछ कल बनाए थे। तो इनको ना मैं अभी देख रही हूँ कि मुझे इनको कैसे कैसे लगाना है, कितनी कितनी दूरी पर लगाना है, और देख रही थी कि मतलब अच्छे लगेंगे या नहीं। तो जिस तरह की थीम मैंने सोची, आपने तो देखा ही है वीडियो मेरे हाउस टूर का, उसके साथ ना ये बिल्कुल परफेक्ट जा रहे थे। मुझे सच में घर बहुत प्यारा लग रहा था इस बार अपना, हर बार ही लगता है जब भी चेंज करती हूँ, बट मतलब जब भी कुछ नया करते हैं तो अच्छा तो लगता ही है।
तो यहाँ पर बस मैंने अभी कवर ले लिए और मैं इस पर दोनों कवर पे जो है ना मेज़रमेंट करके चॉक की हेल्प से निशान लगा लूँगी और फिर फटाफट से सुई की हेल्प से जो है सारे टैसल इसमें लगा दूँगी, क्योंकि कल मुझे घर को डेकोरेट करना है और उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो बस अभी यहाँ पर मैं लगाने बैठ गई थी टैसल, और यही था मतलब वीडियो आज का कि मैंने अपने फर्नीचर को और कुछ ऐसी चीज़ों को अपने घर को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया इस बार, ऐसे DIY किए जिनमें कि मतलब मेरा बहुत कम पैसा लगा। और जब अपने हाथ से आप कोई चीज़ बनाते हैं ना तो उसकी खुशी अलग ही होती है। तो इस तरह से बस मैंने इस बार अपनी दिवाली पर कुछ DIY किए। आई होप आप सबको ये अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ, एक अच्छे से दिन के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।